ये जो कुर्सी पर बैठकर तू फाइन के नाम पर जो मांग रहा है ना, उसे घूस कहते हैं। अभी तो जबान चलाना ही कहां शुरू किया हूं, चंबल से हूं। जिस दिन आईपीएस बन गया ना, तो पहला लेटर तेरे नाम का होगा, सस्पेंशन का, याद रखना ये। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, एब्सोल्यूट गूज़बम्प्स। 12th फेल नाम की फिल्म है, लीव एवरीथिंग। यहाँ पे YouTube रिकमेंडेशन में मैंने ट्रेलर देखा गाइज, इट वॉज क्रेजी, एब्सोल्यूट गूज़बम्प्स मटेरियल गाइज, एंड दिस फिल्म डिजर्व्स ऑल योर अटेंशन। 2 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उसमें से सिर्फ 30 लोग का IAS IPS का नंबर लगता है, एंड बाकी के किधर अंधेरों में खो जाते हैं। ये फिल्म जो है, ये कहानी है, इसका मैं आपको एक समरी पढ़ के बताता हूँ। 12th फेल एन इनक्रेडिबल इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम चंबल हु एम्स टू अचीव एन इम्पॉसिबल ड्रीम ऑफ पासिंग द वर्ल्ड्स टफेस्ट सिविल एंट्रेंस एग्जाम, दैट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विक्रांत मासी जो फर्स्ट सीन है, जिस तरह से पुलिस वाले को धमकी देता है, माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्यूट गूज़बम्प्स। एंड उसके बाद किस तरह से पूरा का पूरा क्लासरूम दिखाया जाता है गाइस, विनोद चोपड़ा इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। आई मीन वेरी स्मॉल, जब हम मिशन कश्मीर देखा करते थे, परिंदा इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ विनोद चोपड़ा। आई मीन ही इज द मेकर ऑफ मुन्ना भाई, ही इज ब्रॉट मुन्ना भाई एंड थ्री इडियट्स इनटू आवर इंडस्ट्री, एंड वापस से विनोद चोपड़ा हैज मेड अ मैसिव कमबैक। इट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज आई हैव सीन। एंड जिस तरह से पूरा का पूरा रॉ रस्टिक एनवायरमेंट जो है क्रिएट किया गया यहाँ पर, ब्रिलियंट गाइज। यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी है, तो आई थिंक अब तो मैं स्टूडेंट रहा नहीं, बट डेफिनेटली अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझको और मोटिवेट करती और इंस्पायर करती। क्योंकि थ्री इडियट्स जब आई थी ना, हम लोग कॉलेज के उस मुकाम पर थे जहां पर डगमगाना बहुत आसान था, एंड थ्री इडियट्स देख के मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन आया कि अपने सपनों को फॉलो करो। मुन्ना भाई देखो, हाँ मुन्ना भाई MBBS से क्या एक रेज फैला, वो फिल्म हर एक लैंग्वेज में बनी। एंड गाइज यहाँ पर विनोद चोपड़ा ने रियल लोकेशंस में पूरी की पूरी फिल्म को शूट किया था। कैमरा वर्क, द सेट डिजाइन इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पूरा का पूरा मुखर्जी नगर को यहाँ पर दिखाया गया है बेस्ट मैनर में। एंड गाइज एक्साइटिंग कोलैबोरेशन जो है विनोद चोपड़ा विक्रांत मासी का, बाप लेवल का लग रहा है। विक्रांत मासी फिल्म में मनोज कुमार बना है, राइट फ्रॉम स्कूल यूनिफॉर्म, जिस तरह जो भागता है, जिस तरह से अटेंड करते हुए उसको दिखाते हैं क्लासेस, जिस तरह उसका लव रहता है इस पूरे के पूरे ट्रेलर में, तो ट्रांसफॉर्मेशन लिया विक्रांत मासी ने, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि फेस और उसका मेकअप जिस तरह से किया गया, आप नजरें नहीं हटा पाओगे उससे, इतना स्ट्रांग स्क्रीन प्रेजेंस है। ये ट्रेलर इंस्पायरिंग है एंड लिटरली गूज़बम्प्स है, एंड पूरा का पूरा एक वाव एलिमेंट जो रहता है ना, वो यहाँ पर है। विक्रांत मासी एंड विनोद चोपड़ा की फिल्म जो है एक बाप लेवल की फिल्म होने वाली है। जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, विक्रांत मासी बेचारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहता है और कहता है चले आए भेड़ बकरी जैसे यहाँ पर IAS IPS बनने के लिए, हाँ बाद में तुम लोग यही सब काम करते हो, हाँ फिर बेचारे को जो शौचालय वो साफ करने की गई नौकरी मिलती है, वो सब सीन्स बहुत ही हार्ड हिटिंग है। पूरे के पूरे स्टूडेंट्स की जो भीड़ जमा कर रखे हुए है, उसकी गांव की स्टोरी 1997 की, चंबल का जो पूरा फ्लैशबैक दिखाया है, ये गाइस बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि गाइस दी स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ ना, यही बच्चे आगे जाकर ये IAS IPS बनते हैं, जो कठिनाइयों से आते हैं ना, जिनको पता है कि पढ़ाई का क्या मूल है, जो लाइट पे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हैं, उनको ही दिल में वो रहती है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, एंड आई थिंक दिस इज एन इंस्पिरेशन दिस फिल्म। एंड गाइस जिस तरह से पूरे ट्रेलर में दिखाते हैं कि शायद से वो फेल हो जाता है, एंड वो कहता है कि अगर एक का भी जीत होगा ना, तो यहाँ पर करोड़ों का जीत होगा, इंस्पायरिंग। 27 अक्टूबर को ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सब भाषाओं में आने वाली है। आई गिव दिस फिल्म फुल मार्क्स, बहुत इंस्पायरिंग लगा, बहुत रेयर ट्रेलर्स है कि मुझे इतना इंस्पायर करते हैं गाइज। एंड ये फिल्म डेफिनेटली मैं बड़े पर्दे पर देखने वाला हूँ, क्योंकि गाइज दिस काइंड ऑफ फिल्म शुड बी मेड फॉर द स्टूडेंट्स। एंड मैं हमेशा अपफ्रंट रहता हूँ, चाहे स्टूडेंट्स की जो भी फिल्में हो, 12th फेल जो फिल्म है, दिस इज एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन। जाइए जी के चैनल्स पर जाइए, वहां पर 12th फेल देख के आइए, ऑल द स्टूडेंट्स यू विल डेफिनेटली कनेक्ट। किस तरह से गरीब माहौल से आ रहा है, उनके माँ बाप उसको पढ़ा नहीं सकते बेचारे, किस तरह से गांव छोड़ के शहर में आते हैं, वहां पे ऑब्वियसली उनको प्रेशर रहता है, लड़की मिल जाती है या फिर दूसरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, पीयर प्रेशर, उसमें पास नहीं हुए फेल हुए उसका प्रेशर में देख रहे, किस तरह से आजकल सुसाइड्स भी इतने बढ़ते जा रहे हैं गाइस। इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स पे, यू शुड
कहना आसान है बट जिनकी जरूरत है बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं गाइस, आई एम वेरी इमोशनल आफ्टर वॉचिंग दिस 12th फेल ट्रेलर. विदु विनोद चोपड़ा, यू मेड अ स्मैश ट्रेलर लेवल पर, जिस तरह से आपने शूट किया लाइव लोकेशन पर. विक्रांत मासी, टेक अ बो मैन, सीरियसली बोल रहा हूँ, बॉप लेवल परफॉर्मेंस लग रहा है. गो एंड वॉच दिस ट्रेलर, स्टे कूल मैन.